के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि इसकी वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी। इस सवाल ने दुनिया भर की सरकारों और वैज्ञानिकों को बहुत प्रेशर में डाल रखा है, लेकिन अब भारत ने इस प्रेशर को कम करने की कोशिश की है। भारत में वैक्सीन की रिसर्च कहां तक पहुंची, कब तक लोगों को राहत मिलेगी, इसके संकेत मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की ज्यादातर बीमारियों की दवा और वैक्सीन भारत में बनती है, लेकिन इस बार कोरोना की लड़ाई लंबी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फ्रंटियर फोर्स तैयार की है। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बेचैनी है, लोगों के मन में शिकायतें भी हैं और मायूसी भी, लेकिन वैक्सीन बनाना कोई जादुई चिराग का काम नहीं है। इधर घिसा और उधर वैक्सीन तैयार, इस काम में बहुत वक्त, मेहनत और कीमत लगती है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि वैक्सीन बनाने में आमतौर पर 10 से 15 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना काल में ये वैक्सीन बनाने का काम एक साल के अंदर वैज्ञानिकों को पूरा करना है। इतना ही नहीं, एक वैक्सीन को बनाने में 15 से 23 अरब रुपए की लागत आती है, लेकिन कोरोना से हो रही लाखों लोगों की इस मौत के प्रेशर ने बजट को 150 से 222 अरब रुपए पहुंचा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों पर कितना प्रेशर है। इसलिए भारत ने बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए फ्रंटियर फोर्स तैयार की है। इसमें ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NIPER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, EMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और भारत का फार्मा सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। दुनिया भर में जब भी बीमारी की आपदाएं आई हैं, ऐसे में यही संस्थाएं देवदूत साबित हुई। पूरी दुनिया के लिए HIV से लेकर TB तक की वैक्सीन बनाने की वजह से भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया जाता है, यानी दुनिया की ज्यादातर बीमारियों के इलाज के लिए भारत में ही दवा तैयार की जाती है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए इस वक्त देश में 30 बड़े ग्रुप वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 20 ग्रुप वैक्सीन बनाने में एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, यानी वैक्सीन बनाने का एक बहुत बड़ा दारोमदार भारत के कंधों पर है। लेकिन पूरी तैयारी के बाद अगर वैक्सीन असरदार साबित नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार होने का खतरा बना रहता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। साधारणतः वैक्सीन 10 to 15 years इट टेक्स और कॉस्ट होती है 200 या 300 मिलियन डॉलर। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको एक साल में करना चाहते हैं। अगर एक साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती है। सो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी वेरी गुड। भारत में इस वक्त 4 तरह की वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसमें पहली है mRNA वैक्सीन, दूसरी है स्टैंडर्ड वैक्सीन, तीसरी है वायरस बेस वैक्सीन और चौथी है प्रोटीन बेस वैक्सीन। अब इन चारों वैक्सीन के शरीर पर काम करने के तरीके और तकनीक को भी समझिए। mRNA तकनीक से तैयार वैक्सीन में वायरस के जेनेटिक का एक हिस्सा लेकर उसी को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है।
इसके बाद हमारा शरीर वायरल प्रोटीन तैयार करता है जिससे इम्यून सिस्टम वायरस के हमले को रोकने के लिए ताकत तैयार करता है। अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन को इसी mRNA तकनीक पर तैयार किया जा रहा है। अमेरिका में तैयार हो रही मॉडर्ना नाम की वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च से शुरू हुई थी। इसके लिए 8 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए जिन्हें 2-2 बार वैक्सीन की डोज दी गई। इससे शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। जब इन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती हैं। यानी ये दवा वायरस के संक्रमण को कुछ हद तक रोक सकती है। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के सेकेंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें दवा की डोज और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पहले फेज में जिन जिन मरीजों को ज्यादा डोज दी गई उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी ज्यादा बनी। यह शुरुआती डेटा वैक्सीन। वक्त एक छोटे से ब्रेक आया, लेकिन ब्रेक से पहले आपको याद दिला दें, थोड़ी देर बाद शाम 6:55 पर इंडिया टीवी के मंत्री सम्मेलन में होंगी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर आपके हर सवाल का जवाब देंगी।